जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे गांव में राजनीति गहमा गहमी बढ़ रही है। समर्थन देने और समर्थन टूट जाने का खेल अभी से शुरू हो गया है। इसी चहल पहल में एनआईटी 86 विधानसभा क्षेत्र के गांव खोईरी जमालपुर से पूर्व सरपंच जुम्मा के बेटे रफीक खान ने ताल ठोक दी है। रफीक खान अपने पिता की कमाई हुई सियासी जमीन पर अपने सपनों का गांव बनाने की जुगत में हैं। रफीक खान ने बताया कि गांव में उनके स्वभाव को देखते हुए लोग खुलकर समर्थन कर रहे हैं और उन्हें पंचायत चुनाव में तन मन धन से साथ रहने के वायदे भी कर रहे हैं। रफीक खान ने बताया कि गांव में मकसूद, बदरुद्दीन शहजाद, खालिद, जफरुद्दीन शाहिद, प्रमोद खजान, मेंबर वसीम, मेंबर वसीम जमालपुर या वाहिद, जाहिद, राहुल सब उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर गांव की सरदारी उन्हें पंचायत चुनाव में सरपंच की जिम्मेदारी सौंपती है तो वो गांव के विकास के लिए जी जान लगा देंगे। उन्होंने कहा कि उनके पिता जुम्मा ने अपने सरपंची काल में गांव के विकास के लिए बहुत से काम करवाए थे, लेकिन अब वो सरपंच नहीं है और गांव की विकास की धारा मानो टूट गई है। लेकिन उनका कहना है कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से गांव के लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं, उससे साफ लगता है कि आने वाले समय में उनके और उनके गांव के लोगों का सपना जरूर साकार होगा। सहयोगी संवाददाता, मेवात टाइम्स, एनआईटी हरियाणा। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।